प्रिंसेस राजमौली का पूरा नाम श्री सेलाश्री राजमौली है और इनका जन्म 10 अक्टूबर 1973 में हुआ था और इनकी वाइफ का नाम रामा राजमौली है और इनके दो बच्चे भी हैं जिनका नाम SS कार्तिकेय और SS मयूखा है। SS राजमौली की पहली मूवी स्टूडेंट नंबर 1 थी। इस मूवी में आपको जूनियर MTR और गजाला देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2001 में आई और इसका कुल बजट 1,80,000 रुपए था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया और ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 2 पे है सिम्हारी। इस मूवी में आपको जूनियर NTR और भूमिका चावला देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2003 में आई और इसका कुल बजट 8,50,000 रुपए था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 25,70,000 का कलेक्शन किया और ये मूवी भी हिट साबित हुई। नंबर 3 पे है साय। इस मूवी में आपको नितिन और जेनेलिया डी सूजा देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2004 में आई और इसका कुल बजट 10,20,000 रुपए था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 11 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 4 पे है चित्रपति। इस मूवी में आपको प्रभा और श्रिया सारन देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2005 में आई और इसका कुल बजट 12,50,000 रुपए था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 5 पे है विक्रमार्कुडू। इस मूवी में आपको रवि तेजा और अनुष्का शेट्टी देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2006 में आई और इसका कुल बजट 11 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 6 पे है यमदोंगल। इस मूवी में आपको जूनियर NTR और दयामणि और ममता मोहन देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2007 में आई और इसका कुल बजट 18 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 7 पे है मगधीर। इस मूवी में आपको रामचरण और काजल अग्रवाल देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2009 में आई और इसका कुल बजट 44 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 8 पे है मर्यादा रमन्ना। इस मूवी में आपको सुनील और सलोनी असवानी देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2010 में आई और इसका कुल बजट 14 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी हिट साबित हुई। नंबर 9 पे है ईगल। इस मूवी में आपको सुदीप और समांथा देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2012 में आई और इसका कुल बजट 40 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 130 करोड़ का कलेक्शन किया और ये भी मूवी हिट साबित हुई। नंबर 10 पे है बाहुबली। इस मूवी में आपको प्रभास और तमन्ना भाटिया देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2015 में आई और इसका कुल बजट 180 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी भी सुपर हिट साबित हुई। नंबर 11 पे है बाहुबली 2। इस मूवी में आपको प्रभास और अनुष्का शेट्टी देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2017 में आई और इसका कुल बजट 250 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1810 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी भी सुपर हिट साबित हुई। नंबर 12 पे है RRR। इस मूवी में आपको जूनियर NTR और रामचरण आलिया भट्ट देखने को मिलेंगे और ये मूवी 2022 में आई और इसका कुल बजट 550 करोड़ था और ये मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 1258 करोड़ का कलेक्शन किया और ये मूवी भी सुपर हिट साबित हुई।